हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडवर्ब क्लॉज को पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों इसके पहले मैं आपको नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ा चुका हूँ। जिस किसी ने ये टॉपिक्स ना पढ़े हों तो वह ग्रामर नाम से बनी हुई प्लेलिस्ट में जाकर इन टॉपिक्स को पढ़ सकता है। दोस्तों चलिए अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आपके आज के टॉपिक एडवर्ब क्लॉज को। एडवर्ब क्लॉज को हिंदी में क्रिया विशेषण उपवाक्य कहा जाता है। तो आइए जानते हैं एडजेक्टिव क्लॉज कहते किसे हैं। एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग समय, स्थान, कारण, शर्त, तुलना, विरोध, परिणाम, उद्देश्य, ढंग आदि प्रकट करने के लिए किया जाता है। एडवर्ब क्लॉज को बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनकी सहायता से आप एडवर्ब क्लॉज बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो शब्द कौन कौन से हैं जिनकी सहायता से आप एडवर्ब क्लॉज बना सकते हैं। तो एडवर्ब क्लॉज में जो सबसे पहले शब्द है वो है व्हेन। व्हेन का मतलब जब होता है, समय प्रकट करता है, समय प्रकट करता है। दूसरा शब्द है व्हेन ईवर, इसका मतलब जब कभी होता है। तीसरा शब्द है व्हाइल, व्हाइल का मतलब जबकि होता है। ये कम विरोध होने की दशा में इसका प्रयोग किया जाता है। चौथा शब्द है टिल, इसका मतलब तक होता है। पांचवा शब्द है अनटिल, इसका मतलब जब तक की नहीं, और इसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। छठवां शब्द है बिफोर, इसका मतलब पहले या पूर्व होता है। सातवां वर्ड है आफ्टर, इसका मतलब बाद या पश्चात होता है। और अगला वर्ड है एज लॉन्ग एज, इसका मतलब जहाँ तक होता है। इसके बाद एज सून एज आता है, इसका हिंदी में मतलब जैसे ही होता है। और दसवां शब्द है सिंस, इसका मतलब क्योंकि होता है। यह वाक्य के शुरू में लगाया जाता है। इसके बाद वेयर, वेयर का मतलब जहाँ होता है और यह स्थान प्रकट करता है। अगला वर्ड है वेयर ईवर, इसका हिंदी में मतलब जहाँ कहीं होता है। अगला वर्ड है बिकॉज, इसका मतलब क्योंकि होता है। अगला वर्ड है एज, इसका मतलब जैसे ही या क्योंकि से निकलता है। और पंद्रहवा शब्द है इफ का मतलब यदि होता है, और इफ जो है वो शर्त प्रकट करता है। अगला शब्द देखते हैं अनलेस, इसका हिंदी में मतलब जब तक कि नहीं होता है, और अनलेस के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। अगला वर्ड है इनकेस, इनकेस का मतलब यदि होता है, और इनकेस शर्त प्रकट करता है। अठारहवां शब्द है एज वेल एज, इसका हिंदी में मतलब साथ साथ या और होता है। उन्नीसवां वर्ड है सो डैश एज, इसका जो हिंदी में मतलब है सो इतना डैश जितना, यानी सो का मतलब इतना और एज का मतलब जितना। सो एज तुलना प्रकट करता है। बीसवां वर्ड है दो, दो का मतलब यद्यपि होता है, और दो जो है वो विरोध प्रकट करता है। आइए अगले शब्द के बारे में जानते हैं ऑल्दो, यट, यद्यपि, फिर भी, यानी ऑल्दो का मतलब यद्यपि और यट का मतलब फिर भी होता है। अगला शब्द है इवन इफ, इसका मतलब हिंदी में फिर भी होता है। इसके बाद जो अगला वर्ड है सो डैश दैट, यानी इतना कि, इस सो का मतलब इतना और दैट का मतलब की होता है। अगला वर्ड है सो दैट, ये एक साथ है, इसका मतलब ताकि होता है, और इसके साथ मे या माइट का प्रयोग किया जाता है। पच्चीसवां शब्द है इन ऑर्डर दैट, इसका हिंदी मतलब ताकि होता है, इसके साथ भी मे या माइट का प्रयोग किया जाता है। आइए अगला शब्द देखते हैं लीस्ट, इसका हिंदी में मतलब कहीं ऐसा ना हो, इसके साथ शुड का प्रयोग होता है। अगला वर्ड है सो फार एज,
यानी इसका मतलब जहाँ तक होता है। अगला शब्द है एज डैश एज, इसका हिंदी में मतलब उतना डैश जितना, यानी एज का मतलब उतना और इस एज का मतलब जितना, ये समानता प्रकट करता है। अगला शब्द है नो सूनर डिड, हिंदी में इसको जैसे ही कहते हैं और इसके साथ देन का प्रयोग करते हैं और स्पेलिंग टी एच ई एन। और आखिरी वर्ड है देन, इसको हिंदी में अपेक्षाकृत कहते हैं और ये तुलना प्रकट करता है। दोस्तों, आप चाहें तो इन सारे शब्दों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी पेन लेकर अपने कॉपी में इन सारे शब्दों को नोट डाउन कर लें। दोस्तों, ये शब्द ज़्यादा होने के कारण मैं आज इसके एग्जांपल्स को सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं ढेर सारे एग्जांपल्स एडजेक्टिव क्लॉज से लेकर आऊँगा और आपको सिखाऊँगा कि एडजेक्टिव क्लॉज इन शब्दों की सहायता से कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों, तो ये था आपका एडवर्ब क्लॉज, आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, और यदि छवि सर चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।